भाई साहब, जब से दीपिका पादुकोण ने शादी की है तब से बेचारी पागल हो गई है, फनी हो गई है। क्यों? क्योंकि रणवीर के संगत में आकर के रणवीर के जैसा ही उनका भी बिहेवियर हो गया है। तो आखिर हम लोग ये बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम लोग मात्र दो सेंटेंस के अंदर पूरे किंगडम फंजाई को ईजिली याद करने वाले हैं, ठीक है। उसके अंदर एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं सारे के सारे हम लोग ईजिली कॉन्फिडेंटली याद कर लेंगे, ये मेरा दावा है आप लोगों से बच्चों, ठीक है। तो आपको याद क्या करना है ये देखो, ट्रिक कुछ इस तरीके से है कि अब दीपिका पादुकोण फनी है। क्यों फनी है? उसका कारण तो सभी को पता है, क्योंकि रणवीर, ठीक है, रणवीर सिंह का एक्टिंग ही कुछ ऐसा है, रणवीर सिंह का बिहेवियर ही कुछ ऐसा है, काफ़ी फनी है। इसीलिए उसके संगत में आकर के दीपिका पादुकोण भी थोड़ी फनी हो गई है, ठीक है। एक और सेंटेंस ये है कि स्नैप्सी के पाँव से कैट मर गई। अब स्नैप्सी क्या है तो आप लोग को याद रखना, जैसे हम लोग बोलते हैं नैन्सी, नैन्सी भी एक नाम है, उसी तरीके से स्नैप्सी, स्नैप्सी कोई लड़की है, उस वो जो है वो चूहे के ऊपर या फिर बिल्ली के ऊपर जो है वो चढ़ जाती है, ठीक है। तो स्नैप्सी के पाँव से कैट मर गई। स्नैप्सी जो है वो कैट के ऊपर पाँव रख देती है और उससे कैट का जो है पूरा का पूरा भाजीपाला हो जाता है। तो देखो कैसे याद करेंगे हम लोग, अब दीपिका पादुकोण फनी है। तो अब दीपिका पादुकोण फनी है का मतलब क्या होगा? अब में ए और बी है, तो ए से हो गया एस्कोमाइसिटिस, बी से हो गया बेसिडियोमाइसिटिस, दीपिका, दीपिका से हो गया ड्यूटेरोमाइसिटिस, पादुकोण का मतलब हो गया फाइकोमाइसिटिस, पी से पादुकोण एंड पी से फाइकोमाइसिटिस, और फनी है दैट इज, ये हम लोग बात किसकी कर रहे हैं तो किंगडम फंजाई की, ठीक है। अब देखिए स्नैप्सी के पाँव से कैट मर गई तो होगा क्या इसमें? स्नैप्सी, अब ये स्नैप्सी से आपको जितने भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं एस्कोमाइसिटिस में सारे के सारे याद हो जाएंगे। एस फॉर सैक्रोमाइसिस, एन फॉर न्यूरोस्पोरा, ए फॉर स्पर्जिलस, पी फॉर पेनिसिलियम एंड सी फॉर क्लेविसेप्स। तो स्नैप्सी के पाँव से, तो पाँव पी ए यू, पी से हो गया पक्सिनिया, ए से हो गया एगेरिकस और यू से हो गया यूस्टिलैगो। कैट से क्या हो गया? तो कैट से हो गया कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। मर गई तो मर से क्या हो गया? तो एम से हो गया म्यूकर, ए से हो गया एल्ब्यूगो और आर से हो गया राइजोपस। तो देखा आपने, मात्र दो सेंटेंस से हम लोगों ने एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स थे फंजाई के सारे हम लोगों ने कवर कर लिए। यही तो था ना काफ़ी आसान, ठीक है। तो ऐसे ही आसान ट्रिक्स के लिए आप लोग मेरे चैनल पर बने रहे और एक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।